हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, विषय है कि यूपी बीएड 2019 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी मेरे दोस्त हैं उनके बीच संशय बना हुआ है कि उनका फॉर्म जो है कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। क्यों, ये कारण क्या है, क्यों आप डरे हुए हो कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए? तो हम बताते हैं आपको, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, या किस कारण से रिजेक्ट आपका फॉर्म जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह सभी दोस्तों के बीच पहुंचनी ज़रूरी है इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि फॉर्म में यदि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मुख्य रूप से जो लड़कियां थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने के कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों के कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने इसका यूपी बीएड का फॉर्म भर दिया है वो somacademy.org पर जाए। ये एक मुख्य रूप से आपके लिए ही डिजाइन की गई वेबसाइट है, और जाकर अपना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लें। यूपी बीएड के जो हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, और दोस्तों रोज डेली आप इस पर अपडेट होते रहें, क्योंकि डेली इस पर प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। वेबसाइट अभी नहीं है, प्रैक्टिस सेट कम है, लेकिन डेली हम इस पर जो है प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। तो आप वेबसाइट पर जरूर जाइएगा और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म रिजेक्ट के लिए आपका क्या होगा। देखिए, अंगूठे का निशान या उंगली का निशान आपने जो वहाँ पर लगाया है, थंब इंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें यदि आपने गलती की गई है, अंगूठे या उंगली के निशान में आपने गलती की गई है, कुछ लोगों ने जो है निशान कुछ और लगाना था, लगा कुछ और दिया, तो उसके लिए जो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। तो वो लोग बिल्कुल ना डरे जिन्होंने अंगूठे का निशान गलत लगाया है, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा, नो रिजेक्ट। तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा जिन लोगों ने अंगूठे के निशान में गलती की है। अब दूसरी गलती पर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो है डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं, देखिएगा आय प्रमाण पत्र की काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट आ रहे थे कि आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, या तो इससे क्या होगा, आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आय प्रमाण पत्र का अभी कोई मुख्य रोल नहीं है। यदि आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा गया है तो आपकी इच्छा है, आपका ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्कॉलरशिप का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्कॉलरशिप आपकी जो है 100% आएगी, और स्कॉलरशिप के लिए आप जो हैं जब आपके फॉर्म होगा, एडमिशन होगा जुलाई अगस्त में, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर दें, उस समय आपके जो है आय प्रमाण पत्र की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। फिलहाल के लिए इसकी कोई जो है आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास है और आपने लगा दिया है तो अच्छा है, नहीं है, नहीं लगाया तो कोई इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तीसरी बात कर लेते हैं आपके जो हैं दस्तावेज की। तो दस्तावेज में आपका जो मुख्य रूप से मैं प्रत्येक दस्तावेज के बारे में बात करना चाहूँगा, तो आपकी जो अंक पत्रिका है, देखिएगा अंक पत्र जो आपने लगाए हैं 10th, 12th या ग्रेजुएशन, देखिएगा 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपने जो भी दस्तावेज यहाँ पर आपने लगाए हैं उसके लिए यदि आपने किसी भी जो है इस दस्तावेज में गलती की है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, सपोज कीजिए कि यदि आपने 10th के जो है अंक भरने में गलती की है, या रोल नंबर भरने में गलती की है, या आपने जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है गलत भर दिया है, तो इस तरीके की गलती के लिए आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह गलती जो है आपको एक बार फिर मौका मिलेगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपको सुधारने का मौका मिलेगा वहाँ पर, और वहाँ पर आप अच्छे तरीके से इन्हें अपलोड कर दें या इन्हें लगा दें। कुछ दोस्तों का कहना है, यदि आपने जो है फॉर्म में अपलोड नहीं किया है कोई डॉक्यूमेंट्स और आपने जो है फॉर्म में भर दिया है,
यदि कॉलम में जो लिखित भरने के लिए आते हैं उसमें आपने भर दिया है और अपलोड नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों यदि बात की जाए जाति प्रमाण पत्र की, देखिएगा जाति प्रमाण पत्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आपके। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है या नया है या इस तरीके से है और या किसी ने अपलोड नहीं किया है। यदि आपने फॉर्म में अपनी जाति भर दी है और आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है या आपका जाति प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराना है तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी जब काउंसलिंग होगी तो उसके समय आपसे देखा जाएगा, उसके समय आपसे मांगा जाएगा कि आपके जो है प्रमाण पत्र में ये आपका नए प्रारूप में है या नहीं है। तो उस टाइम पे आपका उस टाइम पर आपका रिजेक्ट हो सकता है आपका एडमिशन। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं होगा, केवल एंट्रेंस देने के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये एक अनुमति दी जाएगी आपको प्रवेश परीक्षा के लिए। लेकिन हाँ दोस्तों कुछ गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। somacademy.org पर आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा प्रैक्टिस सेट। अब हम आपको बता रहे हैं किस गलती के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। देखिएगा बात करते हैं आधार कार्ड, यदि आपने आधार कार्ड का जो नंबर है वो आईडी के रूप में आपसे मांगा गया था, आपने जो है गलत भर दिया है, तो आपके जो है चांस होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात करते हैं फोटो, फोटो और सिग्नेचर यदि आपने सूटेबल नहीं किए हैं जिस तरीके से आपके सिग्नेचर होते हैं, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर तो मुख्य रूप से यहाँ पर नहीं देखा जाता लेकिन फ़ोटो का महत्व ज़्यादा होता है, आपने फ़ोटो नहीं अपलोड किया है या किसी और का फ़ोटो आपके फॉर्म पर लगा हुआ है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपकी आईडी में फ़ोटो कुछ और है और आपने जो है फ़ोटो कुछ और लगाया हुआ है, मूल निवास पर फ़ोटो कुछ और तरीके का है और यहाँ पर किसी और का फ़ोटो है तो आपका फॉर्म जो है मैच नहीं कर पाएगा फ़ोटो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि आपने जो गलती की हुई है अपने नाम में, देखिएगा नाम में गलती की आप क्या समझते हैं कि यदि आपका जो है एक से दो अक्षर गलत है, सपोज कीजिए कि यदि मैं लिखूं यहाँ पर राम सिंह आपका किसी का नाम है और आपने लिख दिया यहाँ पर रैम सिंह, तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ यदि आपने पूरा का पूरा ही गलत कर दिया कि यहाँ पर आपने लिख दिया है और आपकी आईडी में कुछ और नाम है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है और आपने जो है फिल किया है ये नाम और दूसरा नाम, वहाँ पर आपका सिंह है और यहाँ पर आपने कुमार या कुछ वगैरह जो वगैरह टाइटल नेम होते हैं वो भर दिए हैं, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फॉर्म से रिजेक्ट, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और किसका नहीं होगा, पूरा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। यदि फिर भी कोई दुविधा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया जाए या आपका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देने का जो है हम यहाँ पर समर्थक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।